नमस्कार, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील डोगरा और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदीप सर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 80 पार जो है करने के बाद जो है हम आम आदमी पार्टी जो है किस तरह से देखते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से दावे किए जाते हैं 80 पार क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी। उसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षदीप सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी का कहना है कि 80 पार इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है और ये हमने कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि उनका भरोसा जो है वो आम आदमी पार्टी में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी काम हुए हैं, कुछ अच्छे फैसले पंजाब में भी लिए गए हैं, उससे लोगों को एक उम्मीद बंधी है कि एक अच्छी सरकार लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी चाहते हैं, अच्छे लोगों को चाहते हैं कि वो आगे आएँ और लोगों की बेहतरी कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें और लोगों को मूलभूत सुविधाएं जिनसे मौजूदा सरकार ने वंचित किया हुआ है उनसे उनको निजात मिल सके। लोग आज परेशान हैं, मायूस हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर पहुंची हुई है, बेरोजगारी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि त्राहिमाम कर रहा है पढ़ा लिखा नौजवान। हर चौक के ऊपर हजारों की तादाद में पढ़ा लिखा नौजवान आज बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। मौजूदा सरकार ने मुलाजमत के वादे तो किए, लेकिन जिस तरीके से एक मजाक किया नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए जिस तरीके से मजबूर किया है, उसकी वजह से भारी रोष नौजवानों के अंदर देखने को मिल रहा है। नौकरियां हैं ही नहीं है, निकाली नहीं जा रही हैं, खाली जगहों को भरा नहीं जा रहा है। जो नौकरियां निकाली जाती हैं उनको सेल के ऊपर लगा दिया जाता है। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कुछ एक नौकरियां जो सब इंस्पेक्टर की निकली थी, उसमें ये साबित हो गया कि 15-15 और 20-20 लाख रुपया नौजवानों को देना पड़ा। इस किस्म की सरकार से लोग जो हैं वो क्षुब्ध हो चुके हैं। लोगों के अंदर जो गुस्सा जो है वो खुलकर फूट के सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। किस तरीके से ये एक जुल्म नौजवानों के साथ किया जा रहा है, महंगाई किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि खाने पीने की सामग्री भी जो है उसके ऊपर भी आपने GST, इतने टैक्सेस लगा दिए, दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, अब लस्सी मक्खन के ऊपर टैक्स, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, दाल रोटी के ऊपर टैक्स, ये तो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो जो महंगाई खत्म करने का नारा सरकार देती थी, उसने इतनी महंगाई लोगों के ऊपर आज की तारीख में थोप दी है कि आम आदमी त्राहिमाम कर गया है। एक गरीब आदमी के ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इनके जो दोस्त हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में आ गए हैं। जैसे अडानी जी, अब कहा जा रहा है दुनिया के चौथे नंबर पर अमीर आदमी बन गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी तिजोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और गरीब आदमी जो है वो गरीब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो लोग जो हैं वो बहुत आहत इसकी वजह से हुए हैं, तब्दीली चाहते हैं और वो इस पार्टी को देख रहे हैं एक उम्मीद की किरण के तौर पर। मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी मिनिस्टर था तो मैंने 35,000 नौजवानों को 3 साल में भर्ती किया था, अपने हाथों से ऑर्डर उनको दिया था और एक भी उसमें कोई उंगली नहीं उठ सकी थी। और उन लोगों को खुद बुला के हमने ऑर्डर देते थे डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर, ताकि उनको पूछ सकें कि क्या आपसे किसी ने 2 रुपये किसी बिचौलिए ने तो नहीं लिए हैं, किसी को चाय तो पिलाने की जरूरत आपको तो नहीं पड़ी है। और पूरे हिंदुस्तान में उस सिलेक्शन की उस वक्त चर्चा हुई थी और असेंबली में अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने 87 के 87 MLA ने कहा था कि इस किस्म की भर्तियाँ हमने आज तक नहीं देखी हैं। तो कुछ एक मिसालें जो दी हैं, अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक अच्छा काम किया, जैसे मैंने कहा केजरीवाल जी कर रहे हैं, और दूसरे जो पंजाब के अंदर भी एक हो रहा है, यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग जब सब इकट्ठे होकर चलेंगे तो यकीनन ही एक अच्छी जो है वो लोगों को सरकार मिलेगी और लोगों के मुतालबे जो है, लोगों की परेशानियों जो है उनका समाधान होगा। सर, इसके अलावा मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी, जिस तरह से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव लिया गया है हर घर तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा, इस पे आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले से चलता था। ये सरकार को ये कहने की जरूरत क्यों है? तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारा गौरव है, और तिरंगा तो हमेशा जो है वो
It has always been flying high and it shall always continue to fly high. ये कोई ये किसी बीजेपी की सरकार का एहसान नहीं है. मुझे एक अजीब बात लगती है सोनिया, इस सरकार में जो भी देखने को मिला है कि बच्चों से 20-20 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं स्कूलों के अंदर और टीचर से पैसे इकट्ठे किया जा रहे हैं. अब आपके पास झंडे के लिए पैसे नहीं रहे. झंडा जो जो हमारा ताज है, जिसके ऊपर हमें गर्व है, जिसके ऊपर हमारे जवान हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं, उस झंडे झंडे को ऊंचा रखने के लिए आप बच्चों से पैसे ले रहे हैं. ये मुझे बहुत ही अजीब लगा और ये मुझे लगता है कि एक किस्म का आपने तिरस्कार किया है लोगों का भी और उस तिरंगे का भी जिसको हिंदुस्तान में पूजा जाता है, जो हमारा स्वाभिमान माना जाता है. सर बात करें सोशल एक्टिविटीज की, बात करें नेता लोगों की, बात करें उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो तिरंगा जो है ये भाजपा की साजिश है. ये कहीं ना कहीं तिरंगा जो है दिल से उठता है, प्यार से उठाया जाता है, ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती की जा रही है. इस पे क्या कहेंगे सर? बिल्कुल प्यार से उठता है और हर हर हिंदुस्तानी के दिल में है ये. बिल्कुल दिल में. मैंने कहा हमारे लोगों ने कितनी शहादतें, बीजेपी के कौन से लोग हैं जो आर्मी में गए या जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर शहादतें दिया, बताइए. आजादी के में क्या रोल इन लोगों का रहा है? इस ये जो झंडा हमें आजादी के बाद मिला, इसको इसकी जो है महानता वो लोग क्या जाने, वो जानते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, और वो जो लोग जानते हैं जो आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और देश के अंदर भी जो आतंकवाद का एक माहौल है, दुश्मन देशों की साजिश है, उसको बेनकाब करने में लगे हैं और उसके खिलाफ लड़े हैं, वो ये वही लोग हैं जो दिल से जो है जिनके दिल के अंदर जो है वो हिंदुस्तान बसता है और ये तिरंगा बसता है. और इस तरीके से ये इस किस्म के आदेश देकर आज़ादी के बाद तो झंडा तो हमेशा ही हमारा ऊंचा रहा है. और आज आपके पास और कोई काम नहीं रहा कि लोगों को आप ये कहते हैं कि हमारे पैसे दीजिए कि हमने झंडे चढ़ाने हैं. आपकी ये हालत हो गई है आज की तारीख. सर बात करें कि 370 की, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है 370 को, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370 को लेके किस तरह से देखती है कि क्या वापस आना चाहिए 370? इससे क्या कहेंगे? 370 हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है जी, जो सब जुडिस है. मैं एक कानून का स्टूडेंट होने के नाते भी ये कहूँगा कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी. जो मसला सब जुडिस होता है, यानी जो जो कोर्ट में डिस्कशन में होता है, जिसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस जिसका लिया हो, उसके बारे में किसी भी किस्म की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दिया जाना चाहिए कि ये